सह्याद्री का आलिंगन एक पवित्र स्थान, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की धारा अमर, एक मंदिर जहां विराजते हैं शिव भगवान। प्रकृति की सुंदरता में उनकी आत्मा करती है निवास, पश्चिम घाटों में खड़ा ऊंचा और श्रीवास। भगवान शिव की अक्षित जगह पवित्र द्वार कही जाती है, प्रकृति के सुंदरता के दिल में एक प्राकृतिक धाम। भीमाशंकर वो स्थान ध्यान की गहराइयों में स्थित है, भीमाशंकर जहां पुराने किस्से बरसते हैं। शिवाजी महाराज ने इसे अपना आध्यात्मिक घर बनाया था, भीमा नदी का स्रोत ये कहा जाता है। महाशिवरात्रि एक भव्य उत्सव, हर देश से भगत आते हैं इसे मनाने के लिए। पूजा और अनुष्ठान भक्ति की कला, भीमाशंकर हर दिल में है बसा। भीमा या नदी से उत्पत्ति का नाम, कभी कभी यथार्थ में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन श्रद्धालुओं की आंखों में विश्वास और प्रेम छुपे होते हैं। भगवान शिव की भक्ति का प्रमुख मास श्रावण मास चल रहा है। पूरे मास भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है। सभी शिव मंदिरों में श्रावण मास के अंतर्गत विशेष तैयारियां की जाती हैं। भगवान शिव के इस खास पर्व पर मैं रितेश गुप्ता आपको आज छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंभकर्ण के बेटे भीमा राक्षस के उत्पात से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शंकर ने इसी स्थान पर उसका वध किया था। जिन शिव भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले 6 और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जब हम वीडियो डालें तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचारों और उसके संहार की कथा है। ये कुंभकर्ण का पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे बड़ा हुआ उसे इस बात का पता लगा। बदले की भावना में वह जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि भगवान राम से युद्ध करने और जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपने असुर शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार में ना सिर्फ मानव बल्कि देवगण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव की मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव को उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की ये अर्जी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। पुणे से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की सह्याद्री पर्वतमाला में मौजूद भीमाशंकर मंदिर भीमा नदी के किनारे ये स्थित है। ये नदी यहाँ से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ती हुई कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जाके मिलती है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर पूरे देश में
आस्था के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। यहाँ की मूर्तियों से निरंतर पानी गिरता रहता है। मंदिर के पीछे दो कुंड भी हैं। इस मंदिर का शिवलिंग काफ़ी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हैं, इस मंदिर के दर्शन करता है, उसे सातों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फर्नांडिस द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की। नाना फर्नांडिस द्वारा निर्मित एक बड़ा घंटा भीमा शंकर की एक विशेषता है। अगर आप यहाँ जाएं तो हनुमान झील, गुप्त भीमा शंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका आपको मिल सकता है। भीमा शंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। भीमा शंकर पहुँचने के लिए अत्यंत सुंदर पर्यावरण में स्थित है और मंदिर तक पहुँचने के लिए अनेक घाटियों और खाड़ियों को पार करके जाना होता है। ये यात्रा एक पूजा ग्राम के रूप में मनाई जाती है, जिसे भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें और क्या इम्प्रूव करना है, ताकि आने वाले 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जब हम वीडियो डालें तो हम उसको ठीक कर सकें। धन्यवाद।